कर्नाटका हुबली ईदगाह मैदान में गणेश मूर्ति बिठाने की इजाज़त दे दी गई है। हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ईदगाह मैदान में 19, 20 और 21 सितंबर को 3 दिन के लिए गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की इजाज़त दी है। हुबली ईदगाह मैदान में मुसलमान साल में 2 मरतबा ईद उल अदा और ईद उल फितर की नमाज अदा करते हैं और इस ईदगाह मैदान में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने गणेश मूर्ति बिठाने की जिद कर एहतजाज किया था। हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन जनरल बॉडी ने 31 अगस्त को ईदगाह मैदान में गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। इस मामले पर हुबली के मुसलमानों ने अंजुमन इस्लाम कमेटी के जरिए कर्नाटक हाईकोर्ट धारवाड़ बेंच पर इस रेजोल्यूशन को चैलेंज किया था, पर हाईकोर्ट बेंच ने अंजुमन इस्लाम की अर्जी को नामंजूर किया है। पिछले साल बीजेपी हुकूमत में भी गणेश फेस्टिवल को ईदगाह मैदान में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट रहने के बावजूद गणेश फेस्टिवल को मंजूरी दे दी गई है। इस मामले पर अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ ने कहा, कॉरपोरेशन के जरिए ईदगाह की जमीन को 1000 साल के लिए इन्हें लीज पर दिया गया है। मुसलमानों को लीज पर दी गई जमीन पर गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस ईदगाह मैदान में साल में 2 मरतबा मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है और वर्शिप एक्ट के तहत जहां किसी एक मजहब की इबादत हो रही हो वहां दूसरे मजहब को इबादत की मंजूरी देने की इजाजत नहीं है। फिर इस तरह ईदगाह मैदान में गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करना यह धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का अंदेशा है। इस देश में ना हिंदुओं के पास गणेश फेस्टिवल के लिए जगह की कमी है और ना मुसलमानों के पास नमाज अदा करने के लिए जगह की कमी है, पर कुछ संगठन के लोग खुद को सच्चा धार्मिक बताकर जिस तरह माहौल बना रहे हैं इस पर हिंदू मुस्लिम सबको गौर करना बेहद ज़रूरी है। पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ जहां मुसलमान साल में सिर्फ 2 मरतबा नमाज अदा कर रहे हैं उसी जगह पर जानबूझकर गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की जिद करना इससे आने वाले जनरेशन के लिए गलत एग्जाम्पल सेट किया गया है। हुबली धारवाड़ के मुसलमानों का कहना है, गणेश फेस्टिवल से किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है, पर जिस तरह कट्टरवादी संगठन के लोग मुसलमानों की इबादत गाह को टारगेट कर तकलीफ दे रहे हैं इस बात को हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर समझना बेहद ज़रूरी है। हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ईदगाह मैदान में गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की इजाज़त के साथ कई पाबंदियां लगाई हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गणेश फेस्टिवल में नाच गाना, कल्चरल प्रोग्राम, लाउड स्पीकर, धार्मिक झंडे, बैनर्स और दीगर उन सब चीज़ों पर बैन लगाया गया है जिससे अमनो अमान खराब हो सकता है। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute.